Good morning, students. Today I am here with a new chapter named The Little Bully by Annette Blyton. This story has been adapted from her famous works. So, let me start here. बेटा बुली मीन्स होता है शैतान बच्चा. टाइटल का मीनिंग क्या हुआ? छोटा शैतान बच्चा. स्टूडेंट्स, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेज अदर्स और पुशेज देम अराउंड? क्या तुम ऐसे बच्चे के बारे में जानते हो जो दूसरों को सताता है और धक्के देता है? व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हैरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. इस स्टोरी को पढ़ेंगे और पाएंगे कैसे हरी नाम का एक छोटा बच्चा जो दूसरे बच्चों को सताता है. वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्मॉल बॉय ने कॉल्ड हरी. बहुत एक बार की बात है, ज़्यादा लंबे समय पहले की नहीं, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम हरी था. ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी वीक, He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. हालांकि वह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था और उसे पसंद था. क्या पसंद था? जो भी लड़के और लड़कियां उसके साथ स्कूल जाते थे उनको तंग करना उस बच्चे को बहुत पसंद था. What he loved to do most was to pinch. सबसे ज़्यादा जो हाफ अ सेकेंड वो इतनी जोर से किसी को पिंच करता था कि बिग ब्रूस, ब्रूस मीन्स क्या होता है? इंजरी, यानी एक घाव हो जाता था एक ही सेकेंड में, आधे सेकेंड में ही किसी को वह चुटकी भरता तो उस पर एक बड़ा घाव हो जाता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज पिकिंग पीपल विद अ पिन. दूसरी चालाकी तंग करने की वो कौन सी अपनाता था? कि वह लोगों को पिन से चुबा देता था. ट्रिक मीन्स क्या होता है बेटा? स्टिंग करना, जैसे डंक मारते हैं ना, वैसे ही वो पिन से अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बॉयज गर्ल्स जितने भी लोग होते थे उनको वो प्रिक करता था, यानी पिन चुबा देता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. अब तुम अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे. They tried pinching him back, but that was not good because he could always pinch harder. वे उसको वापस से चुटकी भरने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके लिए ये अच्छी बात नहीं होती थी. वो हमेशा उनसे ज़्यादा जोर से चुटकी वापस भर देता था, तो इससे वो बच्चे बड़े परेशान होते थे. They didn't like telling their teacher. उन्हें अपने अध्यापक को बताना ये बात पसंद नहीं थी, because that was telling tales. क्योंकि ये तो कहानी बताने वाली बात हो जाती थी. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पूरी कक्षा के बच्चे पिकनिक के लिए गए समंदर के किनारे पूरा दिन के लिए. होल डे मीन्स क्या होता है? फुल डे. ठीक है. ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड. सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. एज यू कैन सी हेयर इज अ पिक्चर दैट इन ट्रेन स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर एंड You will know in following part of the story how Harry had to suffer. On that day, the sun shone bright. जिस दिन वो पिकनिक पर गए उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी. And all the children were wild with excitement.
और सभी बच्चे उत्सुकता के कारण बहुत ज़्यादा पागलपन सा दिखा रहे थे। दे क्राउडेड इंटू द ट्रेन, वे ट्रेन में चढ़ गए एंड सेट डाउन और वहाँ बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सीट नेक्स्ट टू हैरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, लेकिन किसी को भी हरी के पास बैठना पसंद नहीं आया क्योंकि वह हमेशा चुटकी भरता था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हैरी इज सिटिंग अलोन। वैन दे अराइव एट द सी साइड, जैसे ही वे समंदर के किनारे पहुँचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय, सभी बच्चे ट्रेन से बाहर खुशी के मारे चिल्लाते हुए कूदे। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड बट नोबडी टुक हैरीज हैंड। जैसे ही वो नीचे उतरे तो उन्होंने रेत में रेस लगाई। सभी बच्चे हाथों में हाथ डाले हुए थे लेकिन किसी ने भी हैरी का हाथ नहीं पकड़ा था। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास नहीं गया। हैरी वॉज एंग्री, हैरी को बहुत गुस्सा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, वह एक रेतीले किनारे की तरफ गया चट्टान के पास, और चट्टान का वहाँ पर एक पुल बना हुआ था, वहाँ पर रेतीला किनारा था, वहाँ गया और खुद से वहाँ बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, उसने अपना लंच निकाला और इसकी तरफ देखा। इट वॉज अ गुड लंच, यह एक बहुत ही अच्छा लंच था। लंच यानी क्या होता है, दोपहर का भोजन, जो आप खाना दिन में खाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, लंच। देयर वॉज टू हार्ड बॉयल्ड एग्स, सिक्स जैम सैंडविचेस, थ्री पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। उसमें क्या क्या था लंच में, दो तो सख्त उबले हुए अंडे थे, छह जैम के सैंडविच थे और तीन टुकड़े ब्रेड और बटर के, यानी ब्रेड पे बटर लगा देते हो ना, ब्रेड एंड बटर, तो उसके कितने पीस थे, थ्री, यानी तीन, एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट की बार थी। ठीक है, बच्चों को चॉकलेट खाना तो पसंद होता ही है, तो इतना सब कुछ उसके लंच में था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, उसने सोचा ये सारा खाना तो वो खुद ही खाएगा। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वह नेक्स्ट पेज जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही उसने एग खाने शुरू किए, ही हर्ड अ हॉर्स नॉइस नियर हिम, जैसे ही उसने अंडा खाना शुरू किया तो उसको एक भयंकर सी आवाज अपने नजदीक आई, सुनाई पड़ी। कौन सी आवाज थी वो, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, उसने विश किया सुबह की नमस्ते की। और जो आवाज आ रही थी वो कहने लगी कि मैं तुम जैसे लड़के को देखकर बहुत ही खुश हूँ। हैरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, उसने मुड़कर देखा हैरी ने और डर के मारे वो टकटकी बांध के खड़ा हो गया। स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूरना या टकटकी बांध कर देखना, यानी फिक्स लुक। वट एवर डू यू थिंक ही सा, तुम्हें क्या लगता है उसने क्या देखा। हैरी सा अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, उसने पूल की साइड से एक दैत्य क्रैब, क्या होता है केकड़ा, दैत्य आकार का यानी राक्षस की तरह लगने वाला एक केकड़ा, तो पूल की साइड से उसकी तरफ आ रहा था। हिज आइज वर
on the ends of short stalks and he looked most queer. उसकी आंखें छोटे छोटे तनों की भांति थी और वो बड़ा ही अजीब दिखाई दे रहा था. क्वीर मीन्स क्या होता है बेटा? स्ट्रेंज, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? अजीब. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हैरी. उसने अपना आगे का पंजा हैरी को हैरी के पास लिया, शेक हैंड की तरह, जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर में कि वो शेक हैंड करना चाह रहा था उसके साथ में. टू शेक द कैट्स क्लॉ, हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड. केकड़े के पंजे में दिया. उसने तो सोचा कि वो शेक हैंड कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात क्या थी उसके लिए, और उसको गुस्सा भी आया. केकड़े ने अपने सारे पिंसर्स, क्या होते हैं बेटा? ग्रिपिंग टूल्स, यानी पकड़ने वाले जो औजार होते हैं, सारे अपने हाथ खोल दिए और उस हाथ से उसने अपने क्या किया, हैरी के हाथ को इतना जोर से प्रेस किया. निफ्ट मीन्स क्या होता है? प्रेस यानी दबाना, कि इतना सख्ती से उसने दबाया कि वह छोटा बच्चा बहुत ही जोर से चिल्लाया. येल्ड मीन्स क्या होता है? शाउटेड. ओह, हेयर इज माई गुड कजिन, सेड द क्रैब प्लेजेंटली. अरे क्रैब ने, केकड़े ने बड़ी ही खुशी से कहा, अरे यहाँ तो मेरा अच्छा प्यारा सा भाई है. एंड टू हैरीज हॉरर ही सा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवली आउट ऑफ द पूल. और हैरी क्या देख के डर गया? उसने एक बड़ा ही रेतीला लॉबस्टर, लॉबस्टर क्या होता है बेटा? केकड़े का ही जैसा एक समुद्री प्राणी होता है, जो कि उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से पूल की साइड से होकर रेंगते हुए हैरी की तरफ आया. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हैरी येल्ड इन पेन. हाथ को इतनी जोर से अपने औजार जैसे पंजों के साथ पकड़ लिया और इतनी जोर से पिंच किया कि हैरी दर्द से छटपटाने लगा और जोर से चिल्लाया. बहुत ही जोर से वह दर्द के मारे चिल्लाया. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज. तब उसने हैरानी से उस पूल में टकटकी बांध कर देखा. फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स. उसमें से, उस हैरानी से उसने क्या देखा? रेत के ही रंग के श्रिम्प्स यानी झींगा मछली, प्रॉन्स यानी वो भी एक फिश की तरह ही होता है, फिश की जैसा प्राणी होता है, मोर क्रैब्स और बहुत सारे केकड़े एंड अदर लार्ज लॉबस्टर और बहुत से सारे दूसरे बड़े बड़े लॉबस्टर वहाँ आए और उन्होंने क्या किया? दे प्रिक्ड हैरी टिल ही वाज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग. उन्होंने उसको, हैरी को, इतनी जोर जोर से पिंच किया कि वो जल्दी ही दर्द के मारे काला और नीला पड़ गया. किस कारण से बड़ा? जो केकड़े, लॉबस्टर, मछलियाँ जो उसको पिंच कर रही थी, उस कारण से उसका शरीर काला और नीला पड़ गया, यानी वह बहुत बुरी तरह से इंजर हो गया, घायल हो गया. ही वॉज इंजर्ड. डोंट यू लाइक इट, से
why were you? Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. हमें तो ये बताया गया था कि तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि तुम तो स्वयं ही चुटकी भरने में और पिन वगैरह चुभाने में चैंपियन हो. कम ज्वाइन इन द फन. आओ हम मजा करें. हैरी लेप्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. हैरी बहुत जोर जोर से रोते हुए अपने ही पैरों पर झुक गया. हिज लंच रोल्ड इन टू द पूल. उसका जो लंच था वो उस पूल में गिर गया सारा. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली. जब उन्होंने केकड़ों ने लॉबस्टर्स ने उसके लंच को देखा तो वो उसकी तरफ भागे खाने के लिए और बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक उस दावत को खाने लगे. हैरी सा दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम. हैरी ने देखा कि कुछ क्षणों के लिए वे उसे भूल गए थे. एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ. और वो मुड़ा और अपने लाइफ को बचाने के लिए भागा. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स. जो आंसू थे उसके गालों पर झरनों की तरह बह रहे थे. स्ट्रीमिंग डाउन यानी बहुत तेजी से वह वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट. उसने सोचा उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया जैसा कि मैं और बच्चों के साथ करता हूँ. बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स. लेकिन ये कितना दर्द वाला सीन था. मुझे कितना ज़्यादा इससे हर्ट हुआ दुख हुआ और मुझे इन केकड़ों से और लॉबस्टर्स से नफरत हो गई है. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. मुझे लगता है दूसरे बच्चे भी मुझसे हेट करते हैं. वेल आई जॉली वेल शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर. लेकिन ठीक है अब मैं ये वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी ना तो चुटकी भरूंगा और ना ही पिन वगैरह चुभाऊंगा. स्टूडेंट्स यू सा दैट हैरी बीइंग अ नॉटी बॉय नोबडी लाइक्ड हिम. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा आप बोते हैं वैसा ही आपको काटना पड़ता है. यानी जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही लोग भी आपके साथ करेंगे. सो यू आर टू बी गुड स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव गुड बिहेवियर एंड यू आर नॉट टू टीच एनीवन. आई थिंक यू दिस स्टोरी. फर्स्ट वर्ड इज प्रिक. प्रिक मीन्स टू स्टिंग यानी चुभाना. फ्राइट मीन्स फियर यानी डर जाना. स्टॉक मीन्स स्टेम यानी तने की तरह जो खड़े होते हैं ना जैसे बटरफ्लाई के होते हैं दो डंक होते हैं तो. लेकिन स्टॉक क्या होता है स्टेम होता है पेड़ का तना होता है उसकी तरह बिल्कुल सीधा हो जाता है. तो ये स्टॉक मीन्स क्या हो गया स्टेम. क्वीड मीन्स क्या होता है स्ट्रेंज यानी अजीब. पिंसर्स मीन्स क्या होता है ग्रिपिंग टूल्स यानी पकड़ने वाले औजार. येल्ड मीन्स होता है शाउटेड यानी चिल्लाया. प्लेजेंटली हैप्पीली और डिलाइटफुली. प्लेजेंटली का मतलब क्या हुआ खुशी से. दोनों का मीनिंग सेम है ये सिनोनियम्स भी हैं और मीनिंग्स भी हैं.
ठीक है। प्रॉन्स अ काइंड ऑफ फिश, जैसा कि मैंने आपको पहले लेसन में भी बताया, प्रॉन्स हैं और क्या था, श्रिम्प्स हैं, ये एक तरह की मछलियों की प्रजाति होती है। ब्रूस, ब्रूस मीन्स क्या होता है, इंजरी यानी घायल हो जाना। हॉरिड मीन्स टेरिबल यानी भयावह, बड़ा ही भयंकर। निप्ड, निप्ड मीन्स पिंच यानी चुटकी भरना। हॉर्स, हॉर्स मीन्स रफ साउंड यानी रूखी सी आवाज, भयंकर सी आवाज जब हम करते हैं तो वो उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्स। स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉट द वर्ड मीनिंग एंड दिस लेसन वेरी वेल। यू आर टू डू दीज वर्ड मीनिंग इन योर वेल मेंटेन्ड नोटबुक्स। Thoroughly also, you have to do your homework neatly. We will meet with part 2 of this chapter, that is exercises and so you have to wait and watch this video carefully. Bye, bitter.